नमस्कार दोस्तों, गोरी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 18 अगस्त 2022 के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसमें आपको डेली पीडीएफ मिल जाया करेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न आपके लिए कि कान्हा किसलिए राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, मेघालय या केरल। इसका उत्तर आप सभी कमेंट में जरूर करें। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने आईआईटी दिल्ली में पब्लिक सिस्टम लैब का उद्घाटन किया है? तो हमारे ऑप्शन है श्री नरेंद्र मोदी, श्री राजनाथ सिंह, श्री पीयूष गोयल या श्री अश्विनी वैष्णव। तो जो सही उत्तर है यह ऑप्शन नंबर श्री पीयूष गोयल ने। श्री पीयूष गोयल ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में पब्लिक सिस्टम लैब का उद्घाटन किया है। इस पीएलएस यानी के पब्लिक सिस्टम लैब को आईआईटी ये दिल्ली होगा, दिल्ली और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने स्थापित किया है। और श्री पीयूष गोयल ये केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण एवं कपड़ा मंत्री हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इप्सोस इंडिया के सर्वेक्षण के अनुसार निम्न में से कौन सबसे भरोसेमंद संस्थान है? तो हमारे ऑप्शन है रक्षा बल, आरबीआई, प्रधानमंत्री कार्यालय, उपरोक्त तीनों। तो इसका जो सही उत्तर है यह ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त तीनों है। इप्सोस इंडिया के एक सर्वेक्षण के अनुसार रक्षा बल, आरबीआई और प्रधानमंत्री कार्यालय देश के तीन सबसे भरोसेमंद संस्थान है। इसमें चौथे नंबर पर है सर्वोच्च न्यायालय एवं पांचवें नंबर पर है सीबीआई। ये सबसे भरोसेमंद संस्थान माना है इप्सोस इंडिया ने। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है? हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, असम या मेघालय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र सरकार ने। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है, यानी कि अब यहाँ पर डीए 31% से बढ़कर 34% हो गया है। और अभी कुछ ही समय पहले मध्य प्रदेश सरकार ने भी डीए में 3% की बढ़ोतरी की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में डीजी यात्रा शुरू की है? तो हमारे ऑप्शन है हैदराबाद हवाई अड्डा, जयपुर हवाई अड्डा, दिल्ली हवाई अड्डा या ग्वालियर हवाई अड्डा। इसका जो सही उत्तर है यह ऑप्शन नंबर ए है, हैदराबाद हवाई अड्डा। हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा डीजी यात्रा प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के रूप में चेहरा पहचान प्रणाली माध्यम से यात्रियों की डिजिटल प्रोसेसिंग शुरू करेगा। हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 2019 में चेहरा पहचान प्रणाली का ट्रायल करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट था। यह हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गंगा नदी की सफाई के लिए कितने करोड़ रुपए को मंजूरी मिली है? हमारे ऑप्शन है 10,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ या 40,000 करोड़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 30,000 करोड़। जो जल शक्ति मंत्री है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने घोषणा की है कि गंगा एवं उसकी सहायक नदियों की सफाई के लिए 30,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। किस राज्य ने अपने तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा है? तो हमारे ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर या असम। जो सही उत्तर है यह ऑप्शन नंबर ए है, अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है और यह उत्तर भारत का 16वां पूरी तरह से संचालित हवाई अड्डा होगा। निम्न में से किसने वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो हमारा ऑप्शन है श्री नरेंद्र मोदी, श्री द्रौपदी मुर्मू, श्री राजनाथ सिंह या श्री अमित शाह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, श्री राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया है। और दुर्गादास राठौड़ का जन्म 13 अगस्त 1638 को हुआ था एवं इनकी मृत्यु 22 नवंबर 1718 को हो गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में भारत में पहली बार शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम कॉर्निया को सफलतापूर्वक 3D प्रिंट किया है? हमारा ऑप्शन है बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई या इंदौर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद, सॉरी बी, हैदराबाद में। भारत में पहली बार हैदराबाद शहर में शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम कॉर्निया को सफलतापूर्वक 3D प्रिंट किया है और इस कॉर्निया को
खरगोश की आंख में प्रत्यारोपित किया गया है। जो 3D प्रिंट कॉर्निया है, इसे मानव कॉर्निया के उत्तक से प्राप्त सामग्री से बनाया गया है, और यह जैव संगत प्राकृतिक और जानवरों के अवशेष से मुक्त है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के फुटबॉल महासंघ को फीफा ने निलंबित कर दिया है? तो हमारे ऑप्शन है पाकिस्तान, भारत, अमेरिका या फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत को। फीफा ने भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। वो भारतीय फुटबॉल महासंघ के 85 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत को निलंबित किया गया है। और जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है, इसका आयोजन 11 से 30 अक्टूबर के बीच में होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के नाम से एक अभियान शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने। जो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF है, इसने एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है जिसे ऑपरेशन यात्री सुरक्षा नाम दिया गया है। और भारतीय रेलवे का मुख्यालय ये नई दिल्ली में स्थित है। ये हमारे पिछले वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 135वीं। ये था हमारा आज का करंट अफेयर। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।